सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राजमन फोटोग्राफी। सो गाइज, आज के इस न्यू वीडियो में आप लोग कुछ इस तरह का ऑयल पेंट फेस स्मूथ फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूँ। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं इस वाले फोटो को ओनली पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का यूज करके एडिट करूंगा। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का सेम टू सेम फोटो एडिट करना सीखना, तो आप लोग इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। और अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज, बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके सो गाइस, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, कोई भी एक नॉर्मल सी फोटो को आप लोग पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लीजिएगा। और पिक्सआर्ट ऐप का न्यू वर्जन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप जाके वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से टूल्स वाला आइकॉन पर क्लिक करके, यहाँ से एडजस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो के लाइटिंग कंडीशन को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। जैसे कि थोड़ा ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेते हैं, और थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को हम लोग डिक्रीज करते हैं, और थोड़ा क्लैरिटी को भी इंक्रीज कर लेते हैं, और थोड़ा सैचुरेशन को भी इंक्रीज कर लेते हैं, और थोड़ा हाईलाइट एंड शैडो को इंक्रीज करके सिंपली यहां से इसको हम डन कर देंगे। तो आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। तो अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अपने फोटो में हम लोग ब्लर ऐड करने वाले हैं। इसके लिए यहाँ से इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से ब्लर वाला ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। और आपको अपने बैकग्राउंड में जितना भी ब्लर रखना होगा आप लोग यहाँ पर रख सकते हो। तो हम इसको 10% के आसपास ब्लर कर लेते हैं, और यहाँ से इरेजर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके हम इसको बैकग्राउंड के ऊपर सेलेक्ट कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लर हो गया है, आप लोग देख सकते हो। अब सिंपली यहाँ से इसको डन कर देते हैं। अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अपने फोटो के बैकग्राउंड को हम लोग यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं। इसके लिए फिर से हम इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से कलर्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ थर्ड नंबर में आपको एक कलराइज का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ से इरेजर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको भी आप बैकग्राउंड के ऊपर सेलेक्ट कर दीजिएगा, और यहाँ से इसको डन कर दीजिएगा। और इसके ह्यू को आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको जो कलर अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहां से इस वाले कलर को ऐड कर लेता हूं, और यहां से इसको हम डन कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने फोटो के बैकग्राउंड में हम लोग बोके इफेक्ट को ऐड करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और यहां से एक बोके इफेक्ट PNG को ऐड करते हैं। तो इस वाले बोके इफेक्ट PNG को ऐड करेंगे, और इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा हम लोग कम कर लेते हैं, और इसको कुछ इस तरह से हम जूम करके यहाँ से ब्लेंड मोड वाला ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करके इसको स्क्रीन पे करते हैं, और यहाँ से इरेजर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने बॉडी पर से इस वाले इफेक्ट को रिमूव कर लेते हैं, और सिंपली यहाँ से इसको डन करके कुछ इस तरह से एडजस्ट करके सिंपली यहाँ से फिर से इसको हम डन कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ से टूल वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से एडजस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो में थोड़ा ब्राइटनेस को ऐड कर लेंगे, और थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज कर देंगे, और थोड़ा सैचुरेशन को ऐड करके सिंपली यहाँ से इसको हम डन कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अपने फेस को हम लोग स्मूथ करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ से रिटच वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से स्मूथ वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और इसको हम मैनुअल पर सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और अपने फोटो को कुछ इस तरह से जूम करके अपने फेस पर कुछ इस तरह से इस वाले ब्रश को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो आपका फेस यहाँ पर स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इस वाले प्रोसेस को जल्दी से कम्प्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ से इसको हम डन कर देते हैं, और यहाँ से फिर से स्मूथ वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और दोबारा से अपने फेस को हम लोग स्मूथ करने वाले हैं, क्योंकि एक बार में अच्छे तरीके से स्मूथ नहीं होगा। चलिए दोबारा से कर लेते हैं स्मूथ। तो हमारा फेस यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथ हो गया, आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख ही सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, अपने फेस को हम लोग गोरा करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ से हम टूल वाला आइकॉन पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से एडजस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके थोड़ा फोटो में ब्राइटनेस को ऐड कर लेंगे, और थोड़ा सैचुरेशन को डिक्रीज करके यहाँ से इरेजर वाला ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करके कुछ इस तरह से इसको हम इन्वर्ट कर देंगे,
और रिस्टोर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को कुछ इस तरह से जूम करके अपने फेस पर हम कुछ इस तरह से इसको रिस्टोर करेंगे। अब सिंपली यहां से इसको हम डन कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अपने टी शर्ट कलर को यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ से क्या करेंगे, स्टिकर वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ सर्च बॉक्स में हम लोग लिख देंगे रेड बैकग्राउंड। तो इस वाला बैकग्राउंड को हम लोग ऐड करेंगे और इसको कुछ इस तरह थोड़ा जूम कर लेंगे और अपने टी शर्ट या शर्ट के पास एडजस्ट करते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ से ब्लेंड मोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम मल्टीपर्पज सेलेक्ट कर देते हैं और इरेजर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम इन्वर्ट कर लेंगे और रिस्टोर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस तरह से अपने टी शर्ट पर इसको हम रिस्टोर कर लेते हैं। अब यहाँ से इसको हम डन करते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, एडजस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसके ह्यू को हम लोग अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। आपको जो कलर अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ से इसको इस वाले कलर को ऐड कर देते हैं और थोड़ा ब्राइटनेस को भी ऐड करके सिंपली यहाँ से इसको हम डन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने लिप्स को यहाँ पे कलर करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ से ड्रॉ टूल वाला आइकॉन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम रेड कर लेते हैं और यहाँ से ब्रश वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसके साइज को कुछ इतना रख लेंगे और हार्डनेस को फुल डिक्रीज कर देंगे और ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करके कुछ इतना और अपने फोटो को कुछ इस तरह से जूम करके अपने लिप्स पर कुछ इस तरह से इसको हम ब्रश करेंगे। और यहाँ से लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेते हैं और सिंपली यहाँ से इसको हम डन कर देते हैं। तो हमारा फाइनली यहाँ पे फोटो एडिटिंग का वर्क कंप्लीट हो चुका है। आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। अब सिंपली यहाँ से ड्रॉ टूल वाला आइकॉन पर क्लिक करके और थ्री डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को हम गैलरी में सेव कर लेते हैं।